नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। चेतन का एक मकसद उन्नत हो साहित्य जगत, हिंदी का प्रचार हो, देश का उपकार हो, कोई हिंदी से ना दूर हो, इंग्लिश के नशे में चूर हो, अपनी मातृभाषा हिंदी हर घर में व्यवहार हो, हिंदी हिम की शिरमो तो हिंदी का गुणगान हो। CFM का एक मकसद उन्नत हो साहित्य जगत, हिंदी का प्रचार हो, देश का उपकार हो। प्रणाम आप सभी को, मैं डॉक्टर अलका अरोरा आज वैलेंटाइन स्पेशल लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। दो शब्दों से पहला समर्पण मैं CFM मंच को देना चाहूंगी कि धरती आसमां पर घूमकर खुशियों को समेटा है, धरती आसमां पर घूमकर खुशियों को समेटा है, इसीलिए आज एक सूत्र में बंधकर उपस्थित हैं हम। स्वर्णिम मुस्कान के तोहफे से बज उठे हैं दिलों की साज, कि स्वर्णिम मुस्कान के तोहफे से बज उठे हैं दिलों के साज, और CFM राइटर्स एसोसिएशन को नमन एक बार नहीं, कई बार, बारंबार, लगातार है आज। मैं सबसे पहले दो शब्दों से समर्पण देना चाहूंगी हमारे CFM पटल को कि पत्थर जब संगठित होते हैं तो भवन बन जाते हैं, सैनिक एकत्रित होते हैं तो शक्तिशाली सेना बन जाती है, शिक्षक एकत्रित होते हैं तो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं, जहां धागे इकट्ठे होते हैं वहां वस्त्र बन जाते हैं, और जब श्रमिक इकट्ठे होते हैं तो देश के उद्योग स्थापित होते हैं। लेकिन जहां श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, नम्रता, सम्मान, अपनापन, पहचान, घनिष्ठता और गौरव के भाव एकत्रित होते हैं और संगठित होते हैं, तो हमारे सम्मुख CFM राइटर्स एसोसिएशन के रूप में, संस्था के रूप में शोभायमान होते हैं। आसमान की बुलंदी पर पहुंचने वाला सितारा बनकर अपनी लालिमा हम सभी कवित्रियों और कवियों पर छिटकाता है। हम सभी कवित्रियों और कवियों की ओर से ऐसे दैदीप्यमान मंच को शत शत नमन, बारंबार प्रणाम, अभिनंदन, वंदन एवं शुभकामनाओं के पुष्पों से समर्पण है। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं माँ वीणा पानी को नमन करती हूँ, माँ भारती को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन देती हूँ और माँ सरस्वती को वंदन देती हूँ, अपने माता पिता को प्रणाम देती हूँ तथा CFM राइटर्स एसोसिएशन के एसोसिएशन मंच को शत शत नमन, वंदन और प्रणाम के पुष्पों से समर्पण देती हूँ कि मैं तेरे शहर में आज बेसबब आई हूँ, तेरे शहर में आज बेसबब आई हूँ, साथ मुहद्दर के कुछ लम्हे लाई हूँ, मुस्कुराना मेरी आदत है तो हो, गीत तेरे लबों पे भी गुनगुनाने आई हूँ, मौसम तो चंद रोज ठहर कर गुजरते ही हैं, मौसम तो चंद रोज ठहर कर गुजरते ही हैं, मोहब्बत से आपके दिलों में घर बनाने आई हूँ। आज की ये खूबसूरत शाम, वैलेंटाइन स्पेशल डे, आज CFM के नाम और हम सभी कवित्रियाँ, आज हमारे मंच पर 23 कवित्रियाँ एकत्रित हुई हैं, हम सभी आज श्रृंगार से ओतप्रोत रचनाओं का से समर्पण देंगे CFM पटल को, और एक बहुत खूबसूरत शाम का वादा करते हैं कि इतना खूबसूरत समा आज तक कभी नहीं बंधा होगा जितना आज ये श्रृंगार में समा बंधने जा रहा है। मैं जरा सी दो शब्दों से समर्पण देती हूँ और शुरुआत करती हूँ कार्यक्रम की कि मन की बातें बताएं तुम्हें क्या है ये पहली मोहब्बत हमारी, भले दिन थे वो गुजरे जमाने, मीठी मीठी सी अगन लगाई। कैसा श्रृंगार लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि बांध लो हमको अपनी फिजा में, खोल दो ये पायल हमारी, आंखें देने लगी आज धोखा, यादें यूं भी पुरानी चली आई। के इश्क की महफिल शुरुआत हो रही है, कहते हैं कि इश्क हो रहा है
इश्क इश्क हो रहा है उनसे क्या किया जाए, इश्क इश्क हो रहा है उनसे क्या किया जाए, रोक ले खुद को कि होने दिया जाए। तो इसी हम इसी श्रृंखला को अपने साथ लेकर बढ़ते हैं। इश्क और प्यार मोहब्बत की महफिल चलेगी। ऐसा नहीं है कि इश्क हम जनरली प्रेमी प्रेमिका के साथ बांधते हैं, पति पत्नी के प्रेम को इश्क का रूप देते हैं। नॉर्मली गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के प्यार को हम इश्क का स्वरूप हमने देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ईश्वर से होता है वो भी प्रेम है, जो माँ बच्चे के बीच होता है वो भी प्रेम है, जो दोस्तों के बीच होता है वो भी प्रेम है, जो सहेलियों के बीच होता है वो भी प्रेम है, जो हम आप सभी के साथ करते हैं, किसी अनजान से जिनसे हमारे दिल मिल जाते हैं उनसे होता है वो भी प्रेम है। तो प्रेम के इसी स्वरूप को लेकर चलते हैं, लेकिन हो सकता है श्रृंगार सबके दिलों में अलग अलग प्रकार से घर कर गया हो, और उसी श्रृंगार के विभिन्न रूपों से हम आपका परिचय कराते हैं। पहले दो शब्दों से समर्पण मैं याद करती हूँ राहत इंदौरी साहब को, उन्होंने बहुत खूबसूरती से दो शब्दों से बयान किया था कि आज दोनों को फुर्सत है, आज दोनों को फुर्सत है चलो इश्क करें, आज दोनों को फुर्सत है चलो इश्क करें, इश्क दोनों की जरूरत है चलो इश्क करें, इश्क इश्क दोनों की जरूरत है चलो इश्क करें, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं, ये मुनाफे की तिजारत है चलो इश्क करें। इश्क इसी महफिल में मैं पहले पायदान पर बुलाती हूँ अपनी बहुत प्रिय सखी पारमिता जी को, कि पारमिता जी हमारे बीच आए, मुंबई से हमारे बीच पारमिता जी आ रही है। मैं दो शब्दों से उनको बुलाना चाहती हूँ कि परख से परे है शख्सियत आपकी, आप लिखती हैं उनके लिए जो समझे कदर आपकी। पारमिता जी अपना श्रृंगार प्रस्तुत करें और मैं आपको पटल पर आमंत्रण दे रही हूँ, आप आइए और अपना श्रृंगार प्रस्तुत कीजिए। पारमिता जी, उपस्थित सारे विद्वान को मेरी नमस्कार। मैं पारमिता सड़ंगी, मेरी कविता की शीर्षक है चलो तस्वीर बनाए। जिंदगी जिंदगी को बुला रही थी, जिंदगी जिंदगी को बुला रही थी, मेरे भीतर के खालीपन में रात भी थोड़ी थोड़ी मेरे नींद को चुराने लगी थी। तुम्हारे भीतर व्याप्त रहने की इच्छा, तुम्हारे भीतर व्याप्त रहने की इच्छा जो अनदेखी थी अनसुनी थी, तुम्हारे भीतर व्याप्त रहने की इच्छा जो अनदेखी थी जो अनसुनी थी, मेरे अकेलेपन की आतुर स्वर आकाश को खंड खंड कर पिघलाने लगे थे। आत्मा की उपत्यका में एक नदी, आत्मा की उपत्यका में एक नदी बहने को आतुर कितने सालों से, मगर अपने हृदय से उच्चारित शब्द को ना सुन पाने की मेरी असहायता, ढूंढती रहती थी मेरी कोई प्रतिकृति को तुम्हारी आंखों में। तुम्हारे पदचाप ठीक मेरी हृदय की धड़कन जैसे, तुम आ रहे हो ना, तुम आ रहे हो ना, शून्य इलाका में स्वप्न जैसे मेरे अनुभव तुम्हारे साथ, शून्य इलाका में स्वप्न जैसे मेरा अनुभव तुम्हारे साथ, मेरे हाथों में तुम्हारे हाथ, मेरे हाथों में तुम्हारे हाथ, देखते ही देखते बदल गई तुम्हारी उंगलियां मेरे हाथों की चूड़ियों में, देखते ही देखते बदल गई तुम्हारी उंगलियां मेरे हाथों की चूड़ियों में। अपरिमित हमारे संपर्क सुबह से शाम तक, बिंदु से सागर तक, प्रलय से सृष्टि तक, इस युग से दूसरे अन्य एक युग तक। अपरिमित हमारे संपर्क सुबह से शाम तक, बिंदु से सागर तक, प्रलय से सृष्टि तक, इस युग से अन्य एक युग तक। चलो एक तस्वीर बनाएं नीरवता से उभर कर बहुत कुछ बोलने वाली रात को लेकर, नीरवता से उभर कर बहुत कुछ बोलने वाली रात को लेकर, हाँ वही रात जो थोड़ी थोड़ी कर चुराने लगी थी नींद को मेरी, हाँ वही रात जो थोड़ी थोड़ी कर चुराने लगी थी नींद को मेरी। नमस्कार, मैं पारमिता सड़ंगी। आप सभी को मेरे सादर प्रणाम। मैं संतोष श्रीवास्तव दिल्ली से। मैं सबसे पहले तो CFM के मंच को बहुत बहुत दिल से आभार देना चाहती हूँ।
कि आपने मुझे आज यहाँ आने का मौका दिया। आप सभी के समक्ष मैं सुरचित एक छोटी सी नज्म प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आए और अपनी होने वाली या हो चुकी सभी त्रुटियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। न जाने क्यों हर आहट पर तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है, न जाने क्यों हर आहट पर तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है। चिट्ठी किसी की भी खोलूं, तस्वीर तुम्हारी ही दिखाई देती है। न जाने हर आहट पर तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है, चिट्ठी किसी की भी खोलूं, तस्वीर तुम्हारी ही दिखाई देती है। दिसंबर की ठिठुरती सर्द हवा भी तुम्हारी गर्माहट दे जाती है, दिसंबर की ठिठुरती सर्द हवा भी तुम्हारी गर्माहट दे जाती है। दिल कहता है ये प्यार है, दिल कहता है ये प्यार है, फिर दिमाग की आवाज़ किसी वहम की दस्तक दे जाती है। मन कुछ कहता है फिर आस जग जाती है, मन कुछ कहता है फिर आस जग जाती है। जिंदगी की उधेड़ बुन में मैं फिर तुम्हारी ओर बह जाती हूँ, मन कुछ कहता है फिर आस जग जाती है। जिंदगी की उधेड़ बुन में मैं फिर तुम्हारी ओर बह जाती हूँ। कहीं ये तुम्हारी और तुम्हारे प्यार की सांठ गांठ तो नहीं, बोलो, कहीं ये तुम्हारी और तुम्हारे प्यार की सांठ गांठ तो नहीं जो मुझे यूँ परेशान कर जाती है। दिल की ठंडी ज़मीन पर फिर तुम्हारी याद कोहरे सी छा जाती है, दिल की ठंडी पड़ी ज़मीन पर फिर तुम्हारी याद कोहरे सी छा जाती है। दिल कहता है ये प्यार है, दिल कहता है ये प्यार है, पर दिमाग की आवाज़ कुछ और ही दस्तक दे जाती है, पर दिमाग की आवाज़ फिर किसी वहम की दस्तक दे जाती है। ना जाने क्यों हर आहट पर तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है, ना जाने क्यों। शुक्रिया। मनमंच, मैं नंदिता माजी शर्मा आप सभी का CFM द्वारा ऑर्गेनाइज्ड इस कवि सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस शुभ घड़ी पर मैं अपनी एक स्वरचित कविता जिसका शीर्षक है तुम पतंग में डोर पिया प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। तुम पतंग में डोर पिया भिन्न भिन्न पर संग संग, भिन्न भिन्न पर संग संग है हमारे नसीब के छोर पिया, भिन्न भिन्न पर संग संग है हमारे नसीब के छोर पिया। ना अस्तित्व बिना एक दूजे के, ना अस्तित्व बिना एक दूजे के, तुम पतंग से मैं तुम्हारी डोर पिया। रहूंगी सदा पीछे पीछे तुम्हारे, रहूंगी सदा पीछे पीछे तुम्हारे, चाहे छाए बादल घन घोर पिया। बिन तेरा मेरा वजूद ही क्या, बिन तेरे मेरा वजूद ही क्या, पतंग बिन कैसी डोर पिया। जो तुम हो तो मैं भी हूँ, जो तुम हो तो मैं भी हूँ, जैसे लहरों संग झूमती शोर पिया। जो तुम नहीं तो मैं भी नहीं, जो तुम नहीं तो मैं भी नहीं, पतंग बिन किस काम की डोर पिया। धन्यवाद। नमन मंच, मैं सरिता त्रिपाठी लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप लोग के समक्ष स्वरचित कविता प्रस्तुत करती हूँ जिसका शीर्षक है इश्क का रंग। इश्क का रंग जब से चढ़ा है उन्हें, इश्क का रंग जब से चढ़ा है उन्हें, नजर दुनिया में कुछ भी आता नहीं, वो तो खोए खोए से रहने लगे, वो तो खोए खोए से रहने लगे, दिल की धड़कन में कोई समाता नहीं, इश्क का रंग जब से चढ़ा है उन्हें,
रूप में उनके ऐसे वो पागल हुए, रूप में उनके ऐसे वो पागल हुए। रूप दुनिया में कोई अब भाता नहीं, तीखी नजरों से उनके जो घायल हुए, तीखी नजरों से उनके जो घायल हुए। दर्द कोई दवा से अब जाता नहीं, इश्क का रंग जब से चढ़ा है उन्हें। बिखरे दुनिया से ऐसे उलझे हुए, बिखरे दुनिया से ऐसे उलझे हुए। सुलझना अब उन्हें जैसे आता नहीं, डोर पकड़े वो जो निकले टूटे हुए, डोर पकड़े वो जो निकले टूटे हुए। गांठ पड़ के फिरो बात आता नहीं, इसका रंग जब से चढ़ा है उन्हें। दोस्त ऐसे मिले लगे पराए हुए, दोस्त ऐसे मिले लगे पराए हुए। दोस्त से ऐसे मिलना जायज नहीं, रूठ जाओ दिल में मुहब्बत लिए। दुश्मनी बांधना दोस्त की फितरत नहीं, दुश्मनी बांधना दोस्त की फितरत नहीं। इसका रंग जब से चढ़ा है उन्हें, नजर दुनिया में कुछ भी आता नहीं। वो तो कोए कोए से रहने लगे, दिल की धड़कन में कोई समाता नहीं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नम्रता तिवारी लखनऊ उत्तर प्रदेश से। CFM रेखा मंच की तरफ से आप सभी को वैलेंटाइन डे की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ। मैं जहांगीर आलम सर को और अलका मैम को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं आपके समक्ष एक स्वर रचित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बहुत मुश्किल है कह पाना, बहुत मुश्किल है कह पाना कि तुम क्या हो मेरे लिए। बहुत मुश्किल है कह पाना कि तुम क्या हो मेरे लिए। क्यों करती हूँ मैं तुमसे प्यार, क्यों करती हूँ मैं तुमसे प्यार, और तुम क्या हो मेरे लिए, और तुम क्या हो मेरे लिए। कभी चांद न बता पाया चांदने को, कभी चांद न बताया पाया चांदने को, और चांदनी ने कभी ख्वाहिश न की, और चांदनी ने कभी ख्वाहिश न की। प्यार वो नहीं करते, प्यार वो नहीं करते जिसने अपने इश्क की आजमाइश की, प्यार वो नहीं करते जिसने अपने इश्क की आजमाइश की। तुम तो हो फूलों का हार, तुम तो हो फूलों का हार, तुम तो हो मेरी नाव के पतवार, तुम तो हो फूलों का हार, तुम हो मेरी नाव के पतवार। मैं तो जी रही हूँ बस, मैं तो जी रही हूँ बस तुम्हारे सहारों के लिए, मैं तो जी रही हूँ बस तुम्हारे सहारों के लिए। बहुत मुश्किल है कह पाना, बहुत मुश्किल है कह पाना कि तुम क्या हो मेरे लिए। माना कि मैं बुझ नहीं जाती हूँ तुम बिन, माना कि मैं बुझ नहीं जाती हूँ तुम बिन, पर तुम्हारे बिन तो अब जीना भी मुश्किल होगा। माना कि मैं बुझ नहीं जाती हूँ तुम बिन, पर अब तुम्हारे बिना जीना भी मुश्किल हुआ। तुम तो हो वो दीपक, तुम तो हो वो दीपक जिसने मेरे जीवन की हर बातें को छुआ, तुम तो हो वो दीपक जिसने मेरे जीवन की हर बातें को छुआ। बहुत मुश्किल है कह पाना, बहुत मुश्किल है कह पाना कि तुम क्या हो मेरे लिए। हर गुलाब को ज़रूरत है एक सहारे की, हर गुलाब को ज़रूरत है एक सहारे की, हर नदी को ज़रूरत है एक किनारे की, हर गुलाब को ज़रूरत है एक सहारे की, हर नदी को ज़रूरत है एक किनारे की। वही सहारा और किनारा हो तुम मेरे लिए, वही सहारा और किनारा हो तुम मेरे लिए, जिसकी मैं सदा तमन्ना करती हूँ, जिसकी मैं सदा तमन्ना करती हूँ। तुम बिन मैं यूँ ही मुरझा जाती हूँ, तुम बिन मैं यूँ ही मुरझा जाती हूँ। बहुत मुश्किल है कह पाना, बहुत मुश्किल है कह पाना कि तुम क्या हो मेरे लिए। और कैसे कहूँ क्या अहमियत है तुम्हारी, और कैसे कहूँ क्या अहमियत है तुम्हारी मेरे जीवन में। तुम तो मेरी ज़िंदगी के आदि और अंत हो, तुम तो मेरी ज़िंदगी के आदि और अंत हो। प्रीत की शुरुआत, प्रेम की शुरुआत और दुखों का अंत हो, प्रेम की शुरुआत और दुखों का अंत हो। वह शब्द
वह हर शब्द हो तुम, वह हर शब्द हो तुम जो बिना कहे सुनाई दे, वह हर शब्द हो तुम जो बिना कहे सुनाए दे, मेरी वह सांस हो जो सदा, मेरी वह सांस हो जो सदा जिंदगी की दुहाई दे, मेरी वह सांस हो जो सदा जिंदगी की दुहाई दे। बहुत मुश्किल है कह पाना कि तुम क्या हो मेरे लिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका अरोरा आज श्रृंगार रस के की प्रस्तुति करने के लिए आपके समक्ष अपनी एक छोटी सी श्रृंगिका लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक मैंने दिया है महबूब की मेहरबानी। मैं प्रारंभ करती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगी, पटल से आशीर्वाद चाहूँगी कि वो इन आँखों को देखकर इनमें रहने की जिद करता है, वो इन आँखों को देखकर इनमें रहने की जिद करता है। कैसा नादा है, कैसा नादा है पानी के घर में रहने की हद करता है, कि वो इन आँखों को देखकर इनमें रहने की जिद करता है। कैसा नादा है पानी के घर में रहने की हद करता है। तेरी आँखों ने तेरी आँखों ने जैसी एक कहानी लिखी है, जो पढ़ नहीं पाया ये गुस्ताक जमाना, वो रवानी लिखी है। क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं इन आँखों को देखकर मैं हर्फ भूल गई हूँ। तेरी आँखों में मानो किसी शायर की जिंदगानी लिखी है। और इन आँखों पे दोनों जहाँ लुटा दिए जिसने, इन आँखों पे दोनों जहाँ लुटा दिए जिसने, तेरी आँखों में उस महबूब की मेहरबानी लिखी है, तेरी आँखों में मेरे महबूब की मेहरबानी लिखी है। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, वंदन और शुभकामनाएं आप सभी को। नमस्कार। मुझे शौक नहीं सोलह सिंगार का, मुझे शौक नहीं गुलशन बहार का, मुझे शौक है बस तेरे दीदार का, मुझे इंतजार है तेरे दीदार का, मुझे प्यार है उस बहार से जो तेरे आने से आए, मुझे प्यार है उस खुमार से जो तेरे इंतजार में मुझ पर छाए। तेरे होने से मुकम्मल मेरा जहां है, तुमसे शुरू मेरा खत्म दास्तां है। मेरी जन्नत तू, मेरी मन्नत तू, मेरी आदत तू, मेरी राहत तू, पर तू खो गया है इन हवाओं में कहीं, पर तू अब भी सांस लेता है मेरी दुआओं में कहीं। मानती हूँ तू नाराज है मुझसे, पर मेरी जिंदगी का आगाज है तुझसे। सच्चे रिश्ते कभी छोड़े नहीं जाते, उम्मीद भरे दिल को तोड़े नहीं जाते। जिद छोड़ो अब मत तरसाओ, अब आ भी जाओ सीने से लगा के मुझे अपना बनाओ। मेरी सुनी मांग के तारे से भर दो, मेरी गोद में सितारे भर दो, मुझे शौक नहीं ज़्यादा प्यार का, बस थोड़ा थोड़ा। नमन मंच, मैं सविता सिंह मीरा झारखंड जमशेदपुर से। कोल्ड फील्ड के सभी उपस्थित पदाधिकारियों को मेरा नमन है और सभी रचनाकारों को शुभकामनाएं जो अपनी प्रस्तुति आज श्रृंगार रस में देने जा रहे हैं। इस प्रेमोत्सव में मैंने भी एक मनहरण छंद जो श्रृंगार रस से वसीभूत है आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मन हुए सतरंगी जैसे आया मधुमास, मन हुए सतरंगी जैसे आया मधुमास, दो फूल यह गुलाबी प्रेम शुरू कीजिए, कहीं भी लागे न जिया कहीं देना वह दगा, कहीं भी लागे न जिया कहीं देना वह दगा, मन में शंका है भरा तो प्रपोज कीजिए, अब कदम बढ़ाओ प्यार जाकर जताओ, ऐसे तो न सकुचाओ मुँह मीठा कीजिए, या चॉकलेट दीजिए, ये प्यार बेशुमार है दिलाओ तुम यकीन, ये प्यार बेशुमार है दिलाओ तुम यकीन, ले लिया मेरी जान है अब टेढ़ लीजिए, तुम बिन जी न पाए मांगो अब ये दुआएं, तुम बिन जी न पाए मांगो अब ये दुआएं, संग संग में निभाए अब वादा कीजिए, झंकृत मन की बिना सुध बुध रहा बिना, जी न पाऊं तेरे बिना आगोश में लीजिए, मन बस अब नहीं चुंबन ये सही नहीं, पास आ गए हो तुम मन काबू रखिए, प्यार वाला दिन आया मन हुआ मत वाला, पहनाओ वर माला ये स्वीकार कीजिए। वैलेंटाइन है आया मन भी गुदगुदाया,
पी लो प्रेम का ये प्याला प्रेम रस पीजिए, पी लो प्रेम का ये प्याला प्रेम रस पीजिए। धन्यवाद। मैं रंजना मिश्रा कानपुर उत्तर प्रदेश से एक लेखिका एवं कवित्री हूँ। सीएफएम मंच पर होने वाले कवि सम्मेलन के लिए मैं अपनी श्रृंगार रस की एक रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। काव्य रस में मधुर भाव का संकलन हो रहा है अलौकिक सुसज्जित गगन, प्रेम पथ पर जले जा रहे दीप सब देख कर हो रहा लज्जित मदन। काव्य रस में मधुर भाव का संकलन, शब्द है या स्वयं रस मधुर बांसुरी, गीत है कि युगल रूप की माधुरी, शब्द सरिता से बहती हो रस की प्रभा, कर रही है सकल जग के मन को मगन। काव्य रस में मधुर भाव का संकलन, ज्योति नैनों में है हास परिहास की, या छलकती सुधा है कोई प्यास की, तृप्त होती नहीं क्यों कोई कामना, बन गई हो ये जैसे असीमित पवन। काव्य रस में मधुर भाव का संकलन, आत्मा से निकलते हुए भाव है, प्रिय को पाने के कैसे मधुर चाव है, खिल रही हो जो भावों की पुष्पित लता, प्राण रस से जो सिंचित किए हो सुमन। काव्य रस में मधुर भाव का संकलन, रूप श्रृंगार से यह सजी गीतिका, लग रही आप सरासी मधुर प्रीतिका, चल रही है बजाती हुई पायलें, हार पुष्पों का लेकर मधुर आगमन। काव्य रस में मधुर भाव का संकलन, हो रहा है अलौकिक सुसज्जित गगन, प्रेम पथ पर जले जा रहे दीप सब देख कर हो रहा लज्जित मदन। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आभार मुझे ये मौका देने के लिए। और क्योंकि आज श्रृंगार रस की बात चली है, तो राधा कृष्ण के प्रेम से बड़ा कुछ नहीं, उससे पवित्र कुछ नहीं, तो कुछ पंक्तियाँ राधा कृष्ण के प्रेम पर। कविता का शीर्षक है प्रेम वर। रुक शाम जरा अधीर न बन, श्रृंगार बिना न उठे कदम, चूनर लाल ओढ़ कर आऊं, अपने श्याम रंग रंग जाऊं, भाग न जाना फिर से कृष्णा, सुनिएगा भाग न जाना फिर से कृष्णा, भक्त पुकारे या मृग तृष्णा, झूला झूलूंगी पेंग बढ़ेगी, धीरे धीरे यह रात चढ़ेगी, बंसरी तेरी सुननी है मोहन, नाचूंगी जोगनिया बन बन, मन अति व्याकुल मिलने को आतुर, पर बाल गोपाल है अति चातुर, देखे ना कोई गोपी या मैया, कृष्णा ना करता था तैया, चंचल चपल हृदय है तेरा, मन उस पर आया है मेरा, मोर मुकुट धर बंसी बजाकर, राधा का यूं चैन हर कर, चांदनी की ओढ़े हुए चादर, बिन झांझर में बागी छुपकर, देख काना को हो गई बावरी, गिरधर संग संग रंग गई न्यारी, छटा बनी देवों को प्यारी, छटा बनी देवों को प्यारी। और क्योंकि आज ये हम वैलेंटाइंस डे के उपलक्ष में कर रहे हैं, तो कुछ प्यार की बातें, कुछ प्रेमी प्रेमिका के भाव मन के, कुछ उनके लम्हे, कुछ पल मैंने कुछ पंक्तियों में कैद किए हैं, तो सुनिएगा। तुम्हारी प्यार की बातें,
तुम्हारी प्यार की बातें, वो बार बार मुलाकातें, रुके नहीं कदम मिलना है, कुछ अपना तुम्हारा सुनना है, अल्फाज ही जुबां पर नहीं आते, वो बार बार मुलाकातें तुम्हारी प्यार की बातें। मन में भंवर गरज रहा, सुन दिल जोर से धड़क रहा, उफान तुम्हें सुनाने हम चले आते, वो बार बार मुलाकातें तुम्हारी प्यार की बातें। ठहर जाना अब रुकना है, एक मंजिल तक पहुंचना है, ठहर जाना अब रुकना है, एक मंजिल तक पहुंचना है, प्यार भरी नजरें बिछाए हम आते, वो बार बार मुलाकातें तुम्हारी प्यार की बातें, तुम्हारी प्यार की बातें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर स्वाति सागर, नमस्कार। मैं गरिमा राकेश गौतम, कोटा राजस्थान से, सीएफएम मंच, अलका अरोड़ा मैम और सभी सुधीजनों का नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आज होने वाले इस कवि सम्मेलन में मैं आपके सामने एक प्रेम गीत रखना चाह रही हूँ, शीर्षक के कितना अजीब प्यार। ना मिलता है ना दिखता है ना मुलाकात होती है, ना मिलता है ना दिखता है ना मुलाकात होती है, पर दिल में उसकी तस्वीर होती है। है ना मेरा कितना अजीब प्यार, है ना मेरा कितना अजीब प्यार। ना मिलता है ना दिखता है ना मुलाकात होती है, ना मिलता है ना दिखता है ना मुलाकात होती है, पर हर पल दिल में उसकी तस्वीर होती है ना मेरा कितना अजीब प्यार, है ना मेरा कितना अजीब प्यार। ना चाहते हैं ना मांगते हैं, ना चाहते हैं ना मांगते हैं ना ख्वाब सजाते हैं, ना चाहते हैं ना मांगते हैं ना ख्वाब सजाते हैं, पर ख्वाबों को उसकी ही मांग होती है, पर ख्वाबों को उसकी ही मांग होती है ना मेरा कितना अजीब प्यार, है ना मेरा कितना अजीब प्यार। ना पाना है ना खोना है, ना पाना है ना खोना है ना निगाहों में बसाना है, ना पाना है ना खोना है ना निगाहों में बसाना है, पर निगाहों को उसकी ही नजर होती है, पर निगाहों को उसकी ही नजर होती है ना मेरा कितना अजीब प्यार, है ना मेरा कितना अजीब प्यार। ना याद करना है ना भूल जाना है, ना याद करना है ना भूल जाना है, ना याद में अपनी आँखों को भिगोना है, ना याद में अपनी आँखों को भिगोना है, पर आँखें उसके नाम पर नम होती है, पर आँखें उसके नाम पर नम होती है ना मेरा कितना अजीब प्यार, है ना मेरा कितना अजीब प्यार। ना लगाव है ना विश्वास है ना मन में आधार है, ना लगाव है ना विश्वास है ना मन में आधार है, पर मन में प्रभु सा उसी का वास है, पर मन में प्रभु सा उसी का वास है ना मेरा कितना अजीब प्यार, है ना मेरा कितना अजीब प्यार। ना मिलता है ना दिखता है ना मुलाकात होती है, ना मिलता है ना दिखता है ना मुलाकात होती है, पर दिल में उसकी ही तस्वीर होती है ना मेरा कितना अजीब प्यार, है ना मेरा कितना अजीब प्यार। धन्यवाद, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। मैं दीप्ति प्रसाद, कोलकाता से, सभी बहनों को और जहांगीर सर को मेरा सादर नमन। मैं जहांगीर सर को और अरोड़ा जी को अपना सादर नमन बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान दिया कि आज मैं काव्य पाठ कर सकूँ। मैं आपके सामने वैलेंटाइन डे आ रहा है जिसपे हमारा सिंगार रस पे आप सबने मुझे कहा है बोलने के लिए, उस पे मैं कुछ लाइनें रख रही हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी मेरी कविता है, आप थोड़ा ध्यान से सुने मेरी कविता को। प्यार का दिन है तो प्यार से भरी मेरी कविता, आप सब इसी मेरा कविता को ध्यान से सुने और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं ताकि मैं इस तरह से आगे लिख सकूं, और आप सबका धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। मेरी कविता है प्रेम। चलो फिर से प्रेम के सागर में डूब जाए, चलो फिर से प्रेम के सागर में डूब जाए, आओ फिर से अपनी प्रेम कहानी को दोहराए। जीवन सुख दुख का सैलाब, जीवन सुख दुख का सैलाब, आओ मिलके देखे ख्वाब। तू मेरे दुख का रखे हिसाब, तू मेरे दुख का रखे हिसाब, और मैं तेरे दुख की किताब बन जाऊं, और मैं तेरे दुख की और मैं तेरे सुख की किताब। कुछ दबी दबी हुई ख्वाहिशें, कुछ दबी दबी हुई ख्वाहिशें, कुछ मन मन मुस्कुराटे। यूं तो सोचा न था कभी,
यूं तो सोचा ना था कभी मुझे भी प्यार होगा। जब शीशे में अपनी मुस्कान को देखा, तब जाकर यकीन आया मुझे कोई एहसासों में है। अब अक्सर ही वक्त ख्यालों में बीत जाते, अपनी ही दीवानगी में मैं खोती जा रही हूँ, उसे एहसास भी नहीं और मैं उसकी दीवानी होती जा रही हूँ। दिल के बिखरने का डर नहीं और प्यार के एहसास में खोती जा रही हूँ। कुछ और भी लिखा है प्रेम पे मैंने, वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। प्रेम करती हूँ तुमसे और तुम मेरे दोस्त हो तो इस शाश्वत प्रेम के बीच भला नाम उम्र जाति का क्या अर्थ। प्रेम तो सरसराते समीर और सूर्य के प्रकाश से भी कहीं अधिक विस्तृत। इतना गहरा कि था नहीं, इतना सौम्य की ओस भी झिलमिलाना भूल जाए, इतना मृदुल की खुशबू भी सुख जाकर सिमट जाए। फिर अपनी कोई विशेष पहचान दिखाने की प्रेम को क्या आवश्यकता। इसी के साथ मैं अपनी काव्य पार्टी है समाप्त कर रही हूँ। आप सबको मेरा साथ। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा असीम नालागढ़ हिमाचल पंजाब से काव्य श्रृंखला के तहत एक कविता जिंदगी खेल नहीं लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। जिंदगी खेल नहीं सपनों और हकीकतों का कोई मेल नहीं है। जिंदगी खेल नहीं है रोटी कपड़ा और मकान के सवालों में जिंदगी इस कदर बेकदर हो जाती है जिंदगी में तब जीने के लायक एहसास जैसी कोई चीज नहीं। जिंदगी खेल नहीं है सपनों और हकीकतों का कोई मेल नहीं। जिंदगी खेल नहीं बचपन जवानी और बुढ़ापे की समस्याओं में बस त्रासदी का अलग अलग ही सही, पर एहसास है वही। संघर्ष से कोई बचा नहीं, हर पल जिंदगी के सामने है हर रोज खड़ी एक जंग नहीं। जिंदगी के सामने हर रोज खड़ी एक जंग नहीं। जिंदगी खेल नहीं सपनों और हकीकतों का कोई मेल नहीं। जिंदगी खेल नहीं हर शख्स अपने वजूद से परेशान है। काश होता ये वो नहीं लेकिन मुश्किलों का सफर थमता ही नहीं क्योंकि जिंदगी खेल नहीं सपनों और हकीकतों का कोई मेल नहीं। उसी आस पर बस से बदतर हालात में जिए जाते हैं लेकिन सपनों से हकीकतें किसी क्षितिज पर मिलती ही नहीं। जिंदगी खेल नहीं सपनों और हकीकतों का कोई मेल नहीं। जिंदगी खेल नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वक्त दिल की बात कहूँ तो लग जाएगा बुरा तुम्हें, बहुत सुकून भरे दिन बीते पहचानने से पहले तुम्हें। जी हाँ, बहुत सही, बहुत खूब कहा है कि वक्त की इज्जत करना हम सभी का प्रथम कर्तव्य है, वरना वक्त एक दिन हमें छोड़कर आगे बढ़ जाता है और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। इसलिए वक्त की इज्जत हम भी करते हैं। और ये एक अंतिम सोपान हमारे कार्यक्रम का चल रहा है, जिसमें मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि अंतिम चरण में हम पहुँच गए हैं। बहुत खूबसूरती के साथ सभी मेरी
सभी सखियों ने बहुत सुंदर तरीके से साथ दिया वैलेंटाइंस डे स्पेशल मनाने के लिए। पूरे श्रृंगार रस में डूबी हुई ये शाम आज की बहुत खूबसूरती के साथ संपन्न हुई। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देती हूँ करमजीत कौर जी का, ललिता पांडे जी का, अरविना गहलोत जी का, रश्मि मिश्रा जी का, आरती श्रीवास्तव जी का, गीतिका पटेल जी का, गीतापति प्रिया जी का, पारमिता जी का, सुषमा दीक्षित जी का, नमिता गुप्ता जी का, दीप्ति प्रसाद जी का, गरिमा गौतम जी का, डॉक्टर स्वाति सागर जी का, रंजना मिश्रा जी का, प्रीति शर्मा जी का, सविता सिंह जी का, डॉली अनुप्रिया जी का, सरिता त्रिपाठी जी का, अनामिका वैश्य आयना जी का, नम्रता तिवारी जी का, नंदिता माझी जी का और संतोष श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने हमारे साथ वैलेंटाइंस डे को इतना स्पेशल बनाने में और सीएफएम पटल की चकाचौंध को चमकाने में बहुत साथ दिया, यहाँ तक हमारे साथ आए। मैं आप सभी को जहांगीर आलम सर की तरफ से दो शब्दों से समर्पण देना चाहूंगी कि फूल सारे कदमों तले आपके बिछाए हैं हमने, फूल सारे कदमों तले आपके बिछाए हैं हमने, कांटो भरी राह से आपको गुजरने ना देंगे, और सीएफएम का ये वादा है आपसे, आपके किरदार को आसमां की बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। आप तो खिलता हुआ गुलाब बने रहें हमारे चमन का हमेशा, हम आपको आपके शहर से 100 बार बुलाएंगे, यानी जहांगीर सर सीएफएम के पटल पर आपको बार बार बुलाएंगे। मैं जहांगीर सर के लिए भी दो शब्दों से जरूर समर्पण देना चाहूंगी कि शब्द हथेली पर रखकर अपना नसीब ढूंढता है। जी हाँ, जहांगीर आलम सर हमारे सीएफएम पटल के चेयरमैन हैं, हमारे अध्यक्ष हैं आज के इस खूबसूरत बेला के। मैं उनकी शान में दो शब्दों से समर्पण देती हूँ। सभी कवित्रियों की ओर से ये समर्पण है कि शब्द हथेली पर रखकर अपना नसीब ढूंढता है, तू वक्त बेवक्त मेहनत से मुकद्दर लिखता है, सीखा है समंदर से तूने अब तक बहुत कुछ, सीखा है समंदर से तूने अब तक बहुत कुछ, जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। जी हाँ, सीएफएम की इसी खूबसूरत शाम को सजाने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी को धन्यवाद अता करना है तो वो हम जहांगीर आलम सर को करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल हम सभी के समक्ष जोड़ी जिसमें आज हमने खूब श्रृंगार का जमकर आनंद लिया और वैलेंटाइन डे को बहुत स्पेशल रूप से मनाया जिसमें मोहब्बत के बहुत सारे रंग हमें देखने को मिले। कहीं राधा कृष्णा का रंग देखने को मिला, कहीं माँ बेटी का रंग देखने को मिला, और जीवन का कोई ऐसा रंग नहीं जहाँ प्रेम की पराकाष्ठा ना पहुँची हो और वो सीएफएम के पटल पर उपलब्ध ना हुई हो। मैं इन्हीं दो शब्दों के साथ आपसे विदा लेती हूँ कि सितारों को आँखों में महफूज रखना, हर तरफ रात ही रात होगी, अकेले हैं हम भी, अकेले हैं तुम भी, कहीं किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। शब्बा खैर, गुड नाइट, खुदा हाफिज, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, वंदन, अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को डॉक्टर अलका अरोरा के संग सीएफएम पटल पर जहांगीर आलम सर के बहुत खूबसूरत पटल सीएफएम राइटर्स एसोसिएशन पर। नमस्कार, सीएफएम मंच को मेरा प्रणाम, और लीजिए श्रृंगार से परिपूर्ण एक रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सखी आयो बसंत है। सखी आयो बसंत है, वसुधा के आंगन में उतरो बसंत है, हवाओं ने बिखरा दी देखो मदमस्त सुगंध है। सखी आयो बसंत है, अमवा की डार पे मुस्कायो बसंत है, प्रकृति ने बदली है चाल, सब रसमय हुए हैं, सखी आयो बसंत है, कलियों ने पट खोले हौले हौले से हवा बहे, कानों में संगीत घोले, क्षितिज से अनंत है, सखी आयो बसंत है, सखी आयो बसंत है,
सखी आयो बसंत है। नमस्कार मित्रों, मैं भोपाल से रश्मि मिश्रा सीएफएम के समृद्ध पटल से आप सभी को नमस्कार करती हूं और हार्दिक आभार करती हूं आदरणीय जहांगीर आलम सर का। कोई भूमिका न बांधते हुए मैं अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करती हूं। आज का विषय श्रृंगार है, तो श्रृंगार से संबंधित मेरे कुछ मुक्तक आपके सामने पेश हैं। कन्हैया जब से नैनों में तेरी सूरत बसाई है, कन्हैया जब से नैनों में तेरी सूरत बसाई है, मेरे इस दिल की दुनिया में तेरी जलवा नुमाई है, मेरी इस दिल की दुनिया में तेरी जलवा नुमाई है। तमन्ना है यही मोहन तेरा दीदार हो जाए, तेरे हाथों में जीवन की ये कश्ती थमाई है, तेरे हाथों में जीवन की ये कश्ती थमाई है। अगला मेरा मुक्तक है आपके सामने, कुछ अलग अंदाज में है। देखिए, भामिनी तेरा रूप रूपेला मन मधुबन में छाए रहा है, भामिनी तेरा रूप रूपेला मन मधुबन में छाए रहा है, पीते बसंती तेरा आंचल सरसों सा सरसाए रहा है, ये तेरा श्रृंगार सखी, ये तेरा श्रृंगार सखी, रति का सौंदर्य लजाए रहा है, फूलों से उन्मुक्त हंसी मन मधुप सरस ललचाए रहा है, फूलों से उन्मुक्त हंसी मन मधुप सरस ललचाए रहा है। और कुछ इसी अंदाज में मेरा एक और मुक्तक, रूप की धूप में हिम पिघलने लगे, रूप की धूप में हिम पिघलने लगे, तुम हंसी इस तरह फूल खिलने लगे, तेरा सरसों सा चल जो सर का प्रिय, तेरा सरसों सा चल जो सर का प्रिय, कितने दरिया हृदय में मचलने लगे, कितने दरिया हृदय में मचलने लगे, हाँ मचलने लगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ललिता पांडे दिल्ली से आप सभी को सीएफएम परिवार में हार्दिक स्वागत है। प्रेम दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटी सी कविता प्रस्तुत है, सुनिएगा। आज वो सज रही है, आज वो सज रही है, संवर रही है, मन में प्रीतम की चाह लिए वो पुनः चहक रही है, पढ़ रही है वो खत जो प्रीतम ने लिखा था, महसूस कर रही है उसकी स्याही को और उसके शब्दों को मन मस्तिष्क में पिरो रही है, याद कर रही है वो लम्हे, याद कर रही है वो लम्हे जब पहली बार उसने घूंघट उठाया था और देख प्रीतम का उज्जवल मुख, अपना ही काजल अपने प्रीतम को लगाया था, लौट रहा है, लौट रहा है उसका प्रिय वराज, लौट रहा है उसका प्रिय वराज, लगा इत्र आज वो महक रही है, लगा इत्र आज वो महक रही है, अपनी उलझी लटों को देख, अपनी उलझी लटों को देख सोच रही है जब पहली बार प्रीतम ने उसका सर सहलाया था और उसने प्रेम से अपने प्रीतम को गले लगाया था, और प्रेम से उसने अपने प्रीतम को गले लगाया था। नमस्कार दोस्तों, मैं करमजीत कौर मलोट पंजाब से बोल रही हूँ और आज इस सीएफएम के इस मंच पर मैं वैलेंटाइन डे पर अपनी रचना पेश करने जा रही हूँ। प्रेम एक ऐसा रिश्ता, प्रेम एक ऐसा रिश्ता जिसको समझने के लिए दोस्तों सारी उम्र ही गुजर जाती है, यहाँ तक कि कुछ तो पूरी उम्र समझ ही नहीं पाते हैं और जिंदगी व्यतीत करके भी चले जाते हैं।
और यहाँ तक कि कुछ लोग तो इसको समझ ही नहीं पाते हैं और जिंदगी व्यतीत करके चले जाते हैं। वैलेंटाइन डे का मतलब सिर्फ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ही नहीं होता, वैलेंटाइन डे का मतलब सिर्फ बॉयफ्रेंड या सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं होता दोस्तों, जो कि हम सभी समझते हैं क्योंकि हम प्यार तो अपने भाई बहन और माँ बाप से भी करते हैं। तो सबसे अच्छा है कि ये दिन हम सबके साथ ही मिलकर मनाएं। प्यार कभी ना खत्म होने वाली, प्यार खत्म कभी भी खत्म ना होने वाली एक चीज है जो कि हम सब जानते हैं। प्यार एक कभी भी खत्म ना होने वाली एक चीज है जो कि हम सब जानते हैं। ये किसी तारीख का मोहताज नहीं है, ये किसी तारीख का मोहताज नहीं है। फिर आप ही बताइए कि हम इसको एक ही दिन में सुबह शुरू और शाम को कैसे खत्म कर सकते हैं। कम से कम मैं तो इसको इस तरह से नहीं मना सकती। प्रेम जैसे पवित्र रिश्ते को सुबह शुरू और शाम को भेंट नहीं चढ़ा सकती। मेरा तो यही सोचना है दोस्तों, पर ये मैं आप सब पर तो लागू नहीं कर सकती। आपको जो सही लगे वही कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सारे जग को मैं अपने जैसा नहीं बना सकती। और थोड़े से समय के लिए या थोड़ी खुशी के लिए मैं इन फूलों को डाली से नहीं तुड़वा सकती। थैंक यू। दो शब्दों से जरूर समर्पण देना चाहूंगी कि शब्द हथेली पर रखकर अपना नसीब ढूंढता है। जी हाँ, जहांगीर आलम सर हमारे सीएफएम पटल के चेयरमैन हैं, हमारे अध्यक्ष हैं आज के इस खूबसूरत बेला के। मैं उनकी शान में दो शब्दों से समर्पण देती हूँ। सभी कवित्रियों की ओर से ये समर्पण है कि शब्द हथेली पर रखकर अपना नसीब ढूंढता है, तो वक्त बेवक्त मेहनत से मुकद्दर लिखता है। सीखा है समंदर से तूने अब तक बहुत कुछ, सीखा है समंदर से तूने अब तक बहुत कुछ, जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। जी हाँ, सीएफएम की इसी खूबसूरत शाम को सजाने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी को धन्यवाद अता करना है तो वो हम जहांगीर आलम सर को करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल हम सभी के समक्ष जोड़ी जिसमें आज हमने खूब श्रृंगार का जमकर आनंद लिया और वैलेंटाइन डे को बहुत स्पेशल रूप से मनाया, जिसमें मोहब्बत के बहुत सारे रंग हमें देखने को मिले। कहीं राधा कृष्णा का रंग देखने को मिला, कहीं माँ बेटी का रंग देखने को मिला, और जीवन का कोई ऐसा रंग नहीं जहाँ प्रेम की पराकाष्ठा ना पहुंची हो और वो सीएफएम के पटल पर उपलब्ध ना हुई हो। मैं इन्हीं दो शब्दों के साथ आपसे विदा लेती हूँ कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, हर तरफ रात ही रात होगी, अकेले हैं हम भी, अकेले हैं तुम भी, कहीं किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। शब खैर, गुड नाइट, खुदा हाफिज, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, वंदन, अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को डॉक्टर अलका अरोरा के संग सीएफएम पटल पर जहांगीर आलम सर के बहुत खूबसूरत पटल सीएफएम राइटर्स एसोसिएशन पर।